शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महादेव का लाख लाख शुक्र कि तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो नहीं होता गौरव, हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते तो तुम्हें अकेला छोड़कर चले कैसे जाएंगे? आज हमें कुछ हो भी जाता ना गौरव, तभी हम भगवान से कहकर वापस तुम्हारे पास आ जाते। मरने की बात मत करो, जो होना था हो गया है कहना। अब हम एक और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारा तो जन्म ही हुआ है तुम्हारे साथ जीने के लिए। उस वक्त भी तुम्हारा प्यार ही तो हमें वापस ले आया था, और देखो आज भी, आज तुम्हारी वजह से फिर से हमारी जान बच गई। तुम्हें तो हमारे प्यार ने बचाया क्या ना, और हमें तो हमेशा तुम बचाती आई हो। हमारी खुद गलती से जब हम तुम्हें गांव में छोड़ आए थे, फिर उर्वशी से जिसने अपने प्यार में हमें वश में कर लिया था। हमारे लिए प्यार, जिंदगी, खुशी सब कुछ तुम हो गए ना। सिर्फ तुम्हारे साथ खुश है, सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदा है, वरना हम और कुछ नहीं, सिर्फ एक जिंदा लाश है। नहीं गौरव, गौरव ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तुमने हमसे कहा ना कि मरने की बातें मत करो, और फिर खुद ऐसी बातें कर रहे हो। हमें कुछ नहीं होगा गौरव, जैसे गौना में हमारे नाम जुड़े हुए, हम दोनों के नाम उसमें छुपे हुए हैं, जिसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता गौरव। बिल्कुल वैसे गौरव और गहना को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। गहना और गौरव एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि गौरव और गहना बने ही एक दूसरे के लिए है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें कभी अलग नहीं कर सकती गौरव। दुर्गा माँ, गौरव क्या हुआ? मुझे भूल गए? मुझे कुछ हुआ ही कहाँ था? मैं तुम दोनों को एक किए बिना मरने वाली नहीं हूं। और आज तुम दोनों को एक साथ देख के मैं बहुत खुश हूं। लग रहा है मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब बस तुम्हारा गौना करना बाकी है, और भगवान का लाख लाख शुक्र है, जैसे हमने योजना बनाई थी सब वैसे ही हुआ। उर्वशी गहना को छोड़ेगी नहीं, वो अपनी काली शक्तियों से ये गहना को जान से ना मार दे। गहना को बचाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। मैं तो यहाँ आई इसलिए हूँ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है उर्वशी को हराने के लिए। वो रास्ता क्या है? उर्वशी का सबसे बड़ा हथियार वो भैरूपिया गौरव है, जिसे उर्वशी ने अपनी काली शक्तियों से बनाया है। अगर हम उसे वश में कर ले तो उर्वशी कमजोर पड़ जाएगी। हम सब आपके साथ हैं, आप बस बताइए करना क्या है। सब घरवालों को कहो कि वो मेरे साथ आए। लेकिन उससे क्या होगा? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले तुम सबको लेकर आओ। चुप हो जाइए सब लोग। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सब लोग।
अब उठो और जाओ उस कमरे में जहाँ उर्वशी ने असली गौरव को अपनी काली शक्तियों से बांध कर रखा है। उसे वहां से आजाद कर। मुझे बांधो और अपनी जगह मुझे लिटा दो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। हम सब मिलके उर्वशी से खुद उसके गुनाह कबूल करवाएंगे। पूरा परिवार तो मेरे साथ रहेगा ही गौरव, लेकिन तुम्हें अभी भी उर्वशी का ही साथ देना पड़ेगा। गौरव, तुम्हें उसके बने बनाए बहरूपे गौरव की तरह उसका साथ देना होगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया है। उसे यही लगना चाहिए कि सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा है और तुम उसके एक बनाए बहरूपी एक गौरव ही हो। कहना क्यों? गौरव समझो हमारी बात को, और वो तुम्हें जो कुछ भी कहे तुम बिल्कुल वैसे ही करना। अगर वो तुमसे ये कहे कि तुम्हें किसी को मारना है तो तुम बिल्कुल वही करना, बस मारने की एक्टिंग करना गौरव, ताकि उसे यही लगे कि तुम उसके बहरूपी एक गौरव हो। उसको जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए तुम पर कि तुम असली गौरव हो। एक गुलाम बनकर उसके सारे हुकुम मानना गौरव। तुम सही कह रही हो गहना, उसके साथ रहकर उसकी कमजोरी पता लगाएंगे और उसका वो हाल करेंगे कि वो खुद अपने गुनाह सबके सामने कबूल करेगी। गौरव, उर्वशी यहां आ रही है, अगर उसे पता चलेगा कि गहना जिंदा है तो वो कोई और तरीका ढूंढेगी उसे मारने का। हमें उसे इसी भ्रम में रखना है कि गहना मर चुकी है। तो फिर अब क्या करें? हमें गहना को जल्दी से इसी ताबूत में छुपाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, गहना इस ताबूत में कैसे रह सकती है? वो सांस कैसे लेगी? उसे कुछ हो गया तो? गौरव तुम हमारी चिंता मत करो। गौरव हमें ऐसा ही करना होगा। गौरव हम थोड़ी देर हमारी सांस रोक लेंगे, और तुम हो ना हमारे साथ, तुम्हारे होते हुए हमें कभी कुछ नहीं हो सकता है। गौरव देखो, उर्वशी इसी तरफ आ रही है। गौरव हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्लीज उसे यकीन दिलाने का हमारे पास यही एक रास्ता है, समझो बात को। गौरव कहाँ रह गया? वो उसको ताबूत में बंद कर रहा है या उसका मकबरा बना रहा है? गौरव जल्दी करो, गौरव वो आ रही है। ये क्या गौरव, अभी तक तुमने इसे ताबूत में क्यों नहीं डाला?
वो हम ताबूत लेने जा ही रहे थे और इन्हें अचानक से होश आ गया। इन्होंने हम पर हमला कर दिया, हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें बेहोश किया। हम लेकर आते। रुक जाओ, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इसके लिए अलग से बहुत बड़ा प्लान है, इसे मेरे साथ ले चलो। कहाँ? कहाँ जानना जरूरी है क्या? मैंने कहा ना, साथ ले चलो तो ले चलो। भगवान, ये क्या करने वाली है? और हम इसके साथ गए तो कहना ताबूत में है, उसे फिर कौन निकालेगा? सोच क्या रहे हो गौरव? चलो। आप लोग सब मेरे बात पे ध्यान दीजिए प्लीज। मुझे बहुत दुख के साथ सबको ये सूचित करना पड़ रहा है कि अब गहना हम लोगों के बीच में नहीं रही। क्या? मेरा मतलब है कि गहना कहीं बहुत बहुत दूर चली गई है हम लोगों से। एक बार फिर एक अच्छे काम के लिए गहना ने त्याग दिया है और ये घर परिवार सब कुछ मुझे सौंप कर चली गई है। झूठ, गहना को इसी ने मारा। मैं जानती हूं कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने गहना को मारा है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो खुद हार मानकर यहाँ से चली गई है। मेरी खुशी के लिए गहना ने अपनी खुशी त्याग कर दी और मुझे लगता है कि हम सबको उसके लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए और फिर जिंदगी भर के लिए उसे भूल जाना चाहिए। झूठ बोल रही हो तुम। गहना कभी अपनी हार मान नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं हार मान सकती? क्योंकि तुमने उसे गायत्री बनाया, इसलिए। रंग ढंग बदलने से रूप बदलता है, किरदार नहीं दुर्गेश्वरी। मैं बता दूं कि गहना पहले से ही डरपोक थी, छोटी छोटी बातों पे हार मान जाती थी, अपनी चीजें दूसरों को दे देती थी। ये त्याग देना, बलिदान देना, ये सब उसके खून में था। वो पहले भी मुझसे हार कर इस घर से गई थी और अब भी गई है। नहीं, गहना हार मानकर नहीं गई थी। अगर वो ऐसा करती तो वो दोबारा इस घर में वापस नहीं आती। मैंने कहा ना, वो चली गई है। ये हंटर तो गायत्री का है, मतलब गहना का है ना? हंटर उसी का होता है श्रेया, जिसके हाथ में वो होता है। और अब वो गहना जा चुकी है, आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस घर की बागडोर मेरे हाथ में छोड़ दी गई है, इसलिए इस घर पे सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। तो इसलिए आप लोग सब इस लड़ाई में खड़े हो जाओ। बात मानिए मेरी और एक लाइन में लगी है। चलो। तुम लोगों ने मुझे बांधा था ना, अब देखो मैं तुम लोगों को कैसे बांधती। गौरव, जाओ रस्सी लेकर आओ और इन सबको बांधो। तुम्हें 2 बार बोलना पड़ेगा, जाओ रस्सी लेकर आओ। हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। जितना टाइम इससे उलझेंगे उतना टाइम गहना को अंदर ताबूत में रहना होगा। वो ज्यादा टाइम सांस नहीं रोक पाएगी। सबने गौरव को मुझसे ज्यादा जल्दी है आप लोगों को बांधने की। अब आप लोग ही सोच के बताइए कि गौरव मुझसे ज्यादा प्यार करता है कि आप लोगों से ज्यादा नफरत। उर्वशी, ये सब तुम क्या कर रही हो? हम सब एक परिवार हैं और परिवार में नाराजगी हो सकती है, दुश्मनी नहीं। परिवार?
याद आ रहा है कि हम लोग एक परिवार हैं? तब आपकी याददाश्त कहाँ चली गई थी पापा, जब मैं आपको बोलती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी जगह गहना को मत दीजिए? तब तो आपने ये बात नहीं सोची कि हम लोग एक परिवार है? तब तो आपने उस गहना को अपने सर पे बिठा के रखा था, क्यों? जब से ये गहना इस घर में आई है ना, मेरी जिंदगी नर्क हो गई। और मैं आपको बोलती थी ना पापा कि मैं गौरव से प्यार करती हूँ, गौरव मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है, सब कुछ है, लेकिन आपका सिर्फ एक मकसद था कि गौरव और गहना का गौना कराने का। क्यों किया आपने ये सब? और सिर्फ आप ही नहीं, आप लोग सब मेरे खिलाफ हो गए थे। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब तो किसी ने नहीं सोचा कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमने हमेशा तुम्हारी साइड ली, गहना से पहले तुम्हारी खुशी देखी, हमेशा तुम्हारी तरफ से लड़ी हूँ। अच्छा, तो अब क्या हो गया? अब कहाँ गया आपका माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए? अब आप क्यों गहना की साइड लेती है, बताइए? गहना का नहीं, हम सच का साथ दे रहे हैं और हम तुम्हारे खिलाफ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे सामने जो खड़ी है वो हमारी बेटी नहीं है, उसे हमने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि वो अपने भाई बहन माँ बाप के खिलाफ जाए, वो हमारा परिवार नहीं है। बस कीजिए माँ, अब ना मैं बोर हो चुकी हूँ आपके इस लेक्चर से, बस कीजिए अब। और आप लोगों से ना बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। गौरव, ये तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? कोई मीटिंग में जाना है क्या तुम्हें? नहीं मैं, आप मीटिंग नहीं है लेकिन किसी से एक जरूरी काम था इसलिए। नहीं तो मैं कहीं भी नहीं जाना है, जहां भी जाना है वो कैंसिल कर दो क्योंकि आज तुम्हारी और मेरी शादी है। वो मैं सोच रही थी कि अब गहना जब हमारी लाइफ में है ही नहीं तो तुम्हें और मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। तुम्हें और मुझे शादी कर लेनी चाहिए गौरव। और आप लोग मुझे अपना परिवार मानते हैं, नहीं मानते हैं, अपना मानते हैं, पराया मानते हैं, जो मानना है माने, शादी में आने आइए, नहीं तो भाड़ में जाइए। लेकिन आज इसी वक्त गौरव और मेरी शादी होके ही रही, और आज मुझे गौरव को अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। कौन रोकेगा? हाँ, कैसे बचाएंगे गहना को? उर्वशी तो गौरव को अपने साथ ले जा रही है, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि एक तरफ गहना को बचाना है और दूसरी तरफ गौरव को उर्वशी से बचाना है। ये लो गौरव, मांग भरो मेरी। हम बाद में शादी कर लेंगे, अभी अभी क्या जरूरत है?
हम बाद में धूमधाम से शादी। धूमधाम से रिसेप्शन होगी गौरव, लेकिन शादी आज ही होगी। सारे रीति रिवाज, रस्में, कस्में सब कुछ होंगी और ये शादी कोई भी नहीं तोड़ सकता। हम बाद में शादी कर लेंगे। मैंने कहा ना गौरव, मेरी मांग भरो। इस दिन का ना मैंने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब और इंतजार नहीं करूंगी। मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। गौरव बचा लो मुझे। गौरव तुमने मुझे मर जाने दी, क्यों नहीं बचाया तुमने मुझे? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना गौरव, तो बचा नहीं लेते तुम मुझे? इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।